Hey, welcome to Fish.n.ansari YouTube channel. तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मैं आया हूँ एक्वेरियम सूरत म्यूनिसिपल एक्वेरियम जो कि है पाल में. देख सकते हैं आप लोग SMC का ब्रिज है यहाँ पर, केबल स्टार बाजार सामने है. तो हम लोग यहाँ पे आए हैं. तो देखिए यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ पर तभी हम लोग अंदर जाते हैं. चलिए अंदर जाते हैं. ये हमारा मेन गेट है और सामने एक्वेरियम है. यहाँ पे टिकट काउंटर देख सकते हैं आप लोग. ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. ये देखिए एक फॉग का वो है, फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन है. और सामने हमारा एक्वेरियम है. एक्वेरियम का पेंटिंग बहुत अच्छा है, बाहर का वॉल पेंट. रश बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं आप लोग. डिस्क्लेमर लिखा है वहाँ पे कुछ, टिकट बुक बैच. ये साइड पूरा गार्डन है, यहाँ पे बेंच दिखे आपको बैठने के लिए. चलिए वहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग. देखिए एंट्री का यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्शन. सॉरी प्लेन की आवाज़ आ रही है, इग्नोर करना. देख सकते हैं आप लोग व्हेल की फॉसिल है, कह सकते हैं स्केलेटन है. आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए ये बहुत जूना है, करीब 30 फीट का होगा वेल फॉसिल. ये देखिए कितना मस्त टेक्सचर है बाहर का एक्वेरियम का. जगदीश चंद्र बोस पाल एक्वेरियम सूरत में बिलोंग करता है. चलिए अंदर जाते हैं. देखिए बहुत अच्छा टेक्सचर दिया है इसने, एक्सटीरियर बहुत अच्छा है. चलिए अंदर जाते हैं. तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने टिकट ले लिया. देखिए कोई ऐसे टिकट है इसकी. एडल्ट की फीस 100 है और चिल्ड्रन की फीस है 40. तो हम लोग आ ही गए एंट्रेंस पे. एक किनेमेटिक शॉट ले लेता हूँ आपको बताते हैं. तो अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे एक फाउंटेन जैसा है, अभी बंद है. जगदीश चंद्र बोस का शायद है स्कल्पचर, पता नहीं. तो ये रहा एंट्रेंस, प्रवेश एंट्रेंस. ऑटोमेटिक डोर है, सेंसर लगा है. तो देखिए ये सब टैंक्स हैं यहाँ पर, पूरी लेन है. वाओ ये पेंटिंग कितनी अच्छी, देख सकते हैं आप लोग. एक्चुअली यहाँ पे दो सेक्शन है, सॉल्ट वाटर है और फ्रेश वाटर है. तो देखिए ये सब टैंक्स हैं यहाँ पर. फ्लावर ऑन फिश की इन्फो है, फ्लावर हॉर्न. ये गोल्डफिश और कोई है, कोई कार्प, शुभंकिन भी है साथ में. 4-5 फीट का टैंक है, एक्रेलिक टैंक है. टेक्सचर बहुत अच्छा है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग. ये काउंटर है हमारा, सिक्योरिटी काउंटर है. ये पूरा रेड पैरेट का टैंक है, किंग कॉन्ग पैरेट है और रेड पैरेट है. बहुत ब्यूटीफुल चिकलेट है ये. इसमें एक मीनू घूम रही है, पता नहीं कैसे है. कुछ टाइम के लिए नीचे देखिए कोरल्स है, रॉक्स है, लाइव प्लांट्स है.
ये एक अलग ही चिकलेट है, मुझे बताना कमेंट में कौन सी चिकलेट है ये, अलग ही चिकलेट है ये। ये देखिए एक सेवरम भी है यहाँ पे, लाइटिंग लगी है यहाँ पे रॉक में। ये देखिए एरोवाना टैंक है, सिल्वर एरोवाना, बहुत बड़ी साइज की है, करीब 2 फीट की होगी या 2.5 फीट की होगी। इसका जो टैंक का टेक्सचर है बहुत अच्छा है, देखिए सबस्ट्रेट से फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा रहता है इनका। इधर एक स्टिंगरे भी है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल्विन चिकलेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिबेंशन से शायद, और ये ग्रीन टेरर है, इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी रहती है ग्रीन टेरर की, थोड़ा नॉइस है तो आप इग्नोर करना। ये देखिए वो फिल्ट्रेशन है शायद, ये बड़ा हीटर है क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ये सबको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। स्ट्रेस में आई, देखिए स्ट्रेस मार्क दिख रहा है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप लोग। ड्रिफ्ट वुड भी है यहाँ पर, टेक्सचर्स ऊपर का बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए फायर माउथ चिकलेट, पीछे आप देख सकते हैं रोजी बार्ब है, यहाँ पे हमारे ग्रामी भी है, किसिंग ग्रामी, पीछे टाइगर बार्ब है। एयर पंप लगाए इन्होंने, क्या बात है। ये देखिए टाइगर बार्ब, ये देखिए यहाँ पे फिलामेंट बार्ब है, इसके बीच में फिलामेंट रहती है, बहुत अच्छी लगती है। पीछे आपको दिख रही बाला शार्क, तो ये पूरा बाब्स का है, टिन फॉल बाब नहीं है अंदर। ये देखिए कुछ है यहाँ पर, ये एक सीक्रेट आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए अमेरिकन चिकलेट्स का ये टैंक है, अंदर सारी चिकलेट्स है, देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल, देखिए शायद पिकॉक है पता नहीं है। तो ये पूरा चिकलेट टैंक है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए शार्क है यहाँ पर, आपको बता दें यहाँ पे ग्रेट व्हाइट शार्क हुआ करती थी, मर गई है, तो अब यहाँ पे सादी शार्क से, पर रियल शार्क से आपको दिखाते हैं। शार्क टैंक है ये वाला, ये देखिए हक डॉलर, डॉलर फिश बोलते हैं इसे, ये पिराना से रिजेंबल करती है एकदम। तो ये है सिल्वर डॉलर, यहाँ पे आपको ड्रिप फूड दिखता है, यहाँ का टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये देखिए डेनिसन, डेनिसन है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी लगती है ये देखने में। देखिए एक्वेरियम लाइट्स है ये, इनके यहाँ का फिल्ट्रेशन और वाटर कंडीशंस बहुत अच्छी होती है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा करते हैं ये तारापुर वाले एक्वेरियम से। यहाँ पे डेनिसन ही है, तो आपको कवर कर चुका हूँ मैं, लुपिन ओरिस है। ये देखिए ये देखिए रॉक्स और स्टोन्स है, रिवर्स के होंगे शायद। ये देखिए फेदर फिश, ये देखिए ऑस्कर में फेवरेट फिश है ये ऑस्कर्स। मैं पा रहा हूँ ना ऑस्कर, ये देखिए ऑस्कर टैंक है, जुवेनाइल साइज ऑस्कर है शायद ये, एल्डर ऑस्कर भी आप देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, टाइगर ऑस्कर है शायद। ये देखिए पैकू, रेड बेली पिराना बोलते हैं इसे, पर शायद पैकू है, पिराना नहीं है ये शायद। देखिए कितनी एग्रेसिव और बड़ी साइज की है, करीब बहुत बड़ी होगी, देखिए मेरे हाथ से देख सकते हैं आप लोग इसकी साइज, समझ में आ गई आपको, बहुत ज़्यादा बड़ी है। नीचे का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कैसा है, कोई क्रिएचर की फॉसिल का। ये देखिए टिन फॉल बाब, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी टू केयर फिश है, टिन फॉल बाब्स बहुत ब्यूटीफुल लगती है, ये शाइन करती है, इसका स्केल शाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रही है पेंगेसियस, बाप रे नाम कैसा है,
समझ लो शार्क ही है ये, एक्वेरियम शार्क कहते हैं ऐसे, वैसी है, बहुत बड़ी साइज है, देखिए मेरे हाथ से कितनी बड़ी है ये, करीब 2 फीट की होगी। इसका ब्लैक कलर है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है गाइस इसकी, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे कोई है, बिग साइज की कोई है, ये देखिए यहाँ पर मिल्की कोई सब है, यहाँ पे शुभम किंग शायद नहीं है, कॉमन कार्प, एंजल फिश, रेनबो शार्क, रेड टेल शार्क, एंजल फिश, देखिए ये कितना अच्छा कलर है, कोई डोरा स्केट फिश है शायद, ये पता नहीं, ये ग्लास फिश है शायद, हाँ ग्लास फिश है, ये देखिए कितनी अच्छी है, रेनबो शार्क, लेकू है सब ये टैंक में, देख कितनी मस्त है ना, डिस्कस शुगर है ये, हाँ वो कैल्शियम कैल्शियम, डिस्कस बहुत ब्यूटीफुल लगती है, चिकलेट्स बहुत ही ज़्यादा इनको हैंडल करना पड़ता है, मेंटेनेंस हार्ड है, फ्रेजाइल एकदम फिश है, डिस्कस ये शायद थोड़ी बीमार है, और इनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया मैं नाम पता नहीं, ये शक्कर है, बहुत बड़ी साइज, फ्लैकू है, मैंने इसकी वीडियो डाली आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए जेब्रा कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट, और यहाँ पे एक टैकलू फ्लैकू है, थोड़ा आलगे लग गए यहाँ पे, ग्रीन आलगे लग गए टैंक में, ये देखिए ये शायद अल्बिनो है, पीछे सर्कल बहुत बड़ी है, और ये देखिए ये बड़ा पॉन्ड टैंक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है पॉन्ड टैंक, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्क है, शायद परून शार्क है पता नहीं मुझे, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हार्ड है, और देखिए यहाँ पे थोड़ी फ्लैकूज है और काप वैराइटीज है, ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा, एकदम शिप रिक की तरह है थीम, और ये देखिए पूरा आगे से वाटरफॉल जैसा है, यहाँ पे क्रेन है, क्रेन ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये सब फिशेस, ये देखिए इसके ऊपर आपको ग्रिल्स पे कुछ दिख रहा है बल्जिंग, ये देखिए दूसरी साइड आया हूँ मैं, यहाँ पे मिल्की कोई दिख रही है आपको, शायद मिल्की कोई है पता नहीं, तो नाम भूल गया, टेट्रा नाम नहीं इसका कुछ और है, सर्पे टेट्रा, ये है ये सर्पे टेट्रा है, सर पे टेट्रा फोकस नहीं हो रही है, सर पे टेट्रा पूरा आलगे आ गया शायद इसके ऊपर, शक्कर है, शक्कर अलग टाइप की शक्कर है, तो देखिए पूरा सर पे, इसका नाम भूल गया मैं, लोच है, लोच साथ टाइगर लोच ऐसा कुछ नाम है उसका, टाइगर लोच, ये जो घूम रही है ना इसका, कहाँ गई ये लोच, क्लाउन लोच नाम है इसका, बहुत स्पीड में घूम रही है ये, लाइव प्लांट से देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी लगती है माया, सर पे टेट्रा, ये कोई टाइप की शक्कर है शायद, शक्कर फिश है, तो देखिए यहाँ पे चिकलेट्स आ गए हैं फिर से, स्मॉल साइज चिकलेट्स है, ब्यूटीफुल लगते हैं चिकलेट्स, ये टैंक खाली है, पैके सी एस का पहले आप देख सकते पहले था, ये रेड आई टेट्रा है, देखिए वीडियो टेट्रा हाँ, तो ये वीडियो टेट्रा है, ब्लैक गोस्ट भी है यहाँ पे, टेट्रा है वीडियो टेट्रा,
समझ में नहीं, रेड भी लिए शायद। यहाँ पे जियो, ये पता नहीं मुझे कौन सी स्पीसीज है, बहुत ब्यूटीफुल है, चिकलेट की है शायद, ग्रीन टेरर जैसी लग रही है। यहाँ पे जायंट ग्रामी भी है, डेढ़ फीट की होगी शायद, अल्बिनो जायंट ग्रामी, ये नॉर्मल वाइल्ड जायंट ग्रामी है। रेड ज्वेल, ये बहुत अच्छा कलर होता है, पैटर्न होता है इसका रेड ज्वेल का। कोई दूसरी फिशेज है, ये रेड ज्वेल है, ये भी रेड ज्वेल है, तो कलरेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए ये फ्लावर ऑन जैसी लग रही है, बट फ्लावर ऑन नहीं है। ये देखिए रेड टेल कैटफिश, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी, एक्जोटिक वैरायटी है। वो एरा पाइमा है, जूम करके आपको दिखाता हूं, एरा पाइमा। हाँ गाना बज रहा है, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। ये स्नेक हेड है, स्नेक हेड आपको पता है ये पानी के बाहर भी रह सकती है, यानी कि क्रॉल कर सकती है। और ये हमारी रेड टेल कैटफिश, ये कुछ भी खा जाती है, जो भी इसकी साइज में आएगा उतना, इसके माउथ के साइज में जो भी आएगा वो खा लेगी। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, चिकलेट से थोड़ी पैरट है, और नहीं रेड डेविल है, और शायद बेजा है, इधर लड़ है, दोनों बहुत एग्रेसिव फिशेज आती है। फ्लारोन को ये सब के साथ ब्रीड कराया जाता है, पता है आपको, ये दोनों के साथ। तो ये टैंक बहुत अच्छा है, बीच में प्लांटेशन भी है। वो अरा पाइमा वहाँ पे खड़ी है, एरा पाइमा पता नहीं, वो पता है जम मारती है आपको पानी में से, पता नहीं वो क्या बीमार के टेस्ट में पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे शायद हमारा स्टॉल टोटा ख़त्म होता है। शायद इसमें तीन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है। तो ये हमारा ख़त्म होता है, यहाँ से आता है मराइन सेक्शन, चलिए जाते हैं। तो मराइन सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, हम लोग सेकेंड फ्लोर पे थे। पता नहीं क्या लिखा है। ये देखिए पूरा डेक है, ये शायद कोरल्स की और सीशेल की दुकान है, शॉप है। तो ये देखिए पूरा, ये फ्रेश वाटर सेक्शन खत्म हो गया, सॉल्ट वाटर सेक्शन है। ये यहाँ पे प्लांटेड एक्वेरियम है, जिसमें डेनियोज है, डेनियोस, ये खाले टैंक है। तो ये देखिए डेनियो है, जेब्रा डेनियो, मेरे पास ये फिश भी थी, इसकी वीडियो डाला हूँ मैंने, पूरा प्लांटेड टैंक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है, ये देखिए ये कोई ट्री है, रियल ट्री है, नहीं रियल ट्री नहीं है, ये देखिए ये तो जिंदा ही है ना। चलिए आगे जाते हैं। तो ये देखिए ये ब्लू डैमसल, जो कि मराइन सेक्शन में आती है। ये देखिए एंजल, मोनो एंजल है शायद, ये जैक डैमसी है, सॉरी ब्लू डैमसी है, ब्लू रिंग एंजल। देखिए क्लाउन फिश है, क्लाउन, ये एनीमोन कार्पेट है, ग्रीन एनीमोन कार्पेट। यहाँ पे पैरट व्रेस है, चिकन बोर्ड व्रेस, पता नहीं कौन सी, ये शायद होगी चिकन बोर्ड व्रेस। आपको मैं दिखाने वाला कुछ स्पेशल, देखिए लॉबस्टर भी है यहाँ पर, लॉबस्टर थोड़े वियर्ड लगते हैं।
और ये देखिए शार्क्स। जी हाँ गाइस, ये शार्क्स है यहाँ पे, ब्लैक टिप शार्क है और रियल शार्क्स है गाइस, नॉर्मल शार्क्स नहीं है, बाहर की है ये शार्क पूल। ये देखिए ये टैंक जो है ये शायद करीब 1.5 माले का है, ये करीब 3 माले का था, इसको कम कर दिया है वाटर को, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा टैंक है, शार्क्स जा रही है इसमें, ब्लैक टिप शार्क्स है। ये देखिए शार्क्स एकदम रियल शार्क से, ये देखिए वाह कितनी ब्यूटीफुल है ये शार्क्स, एकदम रियल शार्क्स है। नीचे कोरल्स है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है सिल्वर क्रोमिक्स है, आपको शार्क बहुत अच्छी लगी गाइस तो आपको एड्रेस दे दूंगा, आप आ सकते हैं। हाँ, मोरिस आइडोल है इसका नाम, मोरिस आइडोल जो कि नीमो में आई है, उसका सर होता है शायद, पता नहीं। वाओ, ये सबका नाम मुझे मौका नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नॉलेज वाला नहीं हूँ सॉल्ट वाटर में। शार्क की तो अलग ही बात है गाइस, यहाँ के शार्क का ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए कोरल्स, ब्रेन कलर से कोरल्स है, देखिए पैम्पेनो है, पैम्पेनो पता नहीं क्या नाम है, पैम्पेनो यहाँ पे देख सकते हैं, मिडनाइट डेमसेल है, क्लाउन फिश जैसी भी है कुछ, देखिए इन्हें एनिमल में घुसी भी है डर के, टिगर फिश है शायद, देखिए वेव मेकर है, टैंक भी है, यूनिकॉर्न टैंक भी है, ये क्लाउन फिश तो बहुत अच्छी है, छुप गई है, ये टैंक है, यूनिकॉर्न टैंक, कोरल रीफ, देखिए एक और शार्क है यहाँ पे, ये देखिए ये शायद नर्स शार्क है, नर्स बाम्बू शाक है, सॉरी बाम्बू शाक है, ये देख रियल शार्क्स है गाइस, बैम्बू शार्क्स, ये भी कोई ऐसी ऐसी वैरायटी नहीं है गाइस, बैम्बू शार्क्स, स्क्विरल, स्क्विरल इसकी आई स्क्विरल जैसी है, ये देखिए स्क्विरल ब्लू ट्रिगर, ट्रिगर फिश है, ट्रिगर फिश गंगे ट्रिगर जैसे इसका पूछ है। ये देखिए और भी है यहाँ पे कुछ ग्रुपर, देखिए ग्रुपर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर है इसका, कलर है ग्रुपर्स, इसका नाम कुछ और है शायद, गोभी ऐसा कुछ नाम है इसका, वो मर्स कीपर है शायद। देखिए स्टारफिश, स्टारफिश के यहाँ पर अट्रैक्शन हो गए, सेंट ऑफ अट्रैक्शन है स्टारफिश। ये देखिए ये रियल स्टारफिश, आपको पता नहीं होगा मराइन की, हाँ, और ये देखिए ईल है, मोरी ईल है शायद, ईल है ये, देखो एक और स्टारफिश है, ऐसी रेड कलर की भी आती है, सर्जेंट मेजर, ओ पता नहीं इसका नाम ऐसा क्यों है बट ये बहुत ब्यूटीफुल है, सर्जेंट मेजर। देखिए हर यहाँ पे एक एपम फिल्ट्रेशन, और देखिए यहाँ पे वेव मेकर लगा हुआ है, स्कीमर वीमर भी होगा पता नहीं, ये पता नहीं क्या है। देखिए ईल, ये देखिए ईल है, ये ईल है शायद, मोरे ईल होगी, और देखिए सैंड पफर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये फूल जाती है आपको पता होगा शायद, बबल जैसी हो जाती है एकदम, फुग्गे जैसी हो जाती है, और देखिए वापस एक पॉन्ड टैंक आ गया,
जिसमें फिर से मराइन स्पीसीज है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये स्पीसीज का टैंक। ये शायद ट्रिगर है, हाँ ट्रिगर होगी शायद, इनका नाम नहीं पता मुझे। फिर से आया, हाँ गाने बज रहे हैं। वुडल पैनल पे बैठना नॉट अलाउड है। ये देखिए स्टिंग रे और लायन फिश, ये फिश ने बहुत सारी प्रजातियों की वाट लगा दी है, यानी कि उनको एक्सटिंक्ट कर दिया है। हाईली पॉइजनस होती है ये फिश, लायन फिश बहुत ही ब्यूटीफुल आती है। स्टिंग रे दिख रही नहीं है आप, हाँ स्टिंग रे भी है गाइस, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, इसकी आंख दिख रही है, वाओ। तीन चार रखे हैं वेव मेकर। देखिए क्लाउन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, देखिए कितने सारे एनिमल्स हैं और क्लाउन फिश तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए कितना ब्यूटीफुल टैंक है, ये कोरल सेटअप कितना अच्छा है। ये कौन सी क्लाउन है पता नहीं मुझे, देखिए वो जो रॉक्स है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे एक और क्लाउन है जिसका नाम पता नहीं मुझे, पीछे भी दो तीन क्लाउन है पर आने को तैयार नहीं है। और ये देखिए ये क्या अजीब सा एनीमोन जैसा कुछ है, उसके अंदर हाँ उसके अंदर क्लाउन फिश रहती है। ये देखिए इतनी हम बड़ी सी दो ईल है, बड़े गुस्से में लग रही है। ये बैट फिश है, बैट फिश कुछ ज़्यादा ही बड़ी आती है, बैट जैसी रहती है। और ये देखिए वापस मुरी साइडोल, और ये शायद ब्रेस है, ब्रेस रेनबो ब्रेस है शायद ये। और ये अजीब सी क्रोकोडाइल के डॉल्फिन जैसा मुझे साइज का, कितनी ब्यूटीफुल है। कमेंट में मुझे बताना कमेंट में क्या है ये। बैट फिश को अट्रैक्शन लग रहा है एकदम मेरा कैमरा। ये देखिए यहाँ पे क्वीन ब्रेस है, क्वीन ब्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्वीन ब्रेस। उसका कलरेशन सब बहुत मस्त है, सारे कलर से शायद इसमें सेवा मोनो सेवे शायद इसको बोलते हैं, मोनो एंजल। मोनो एंजल देखिए, मैं बोला था ना आपको, सी बेंडेड स्नेक, वो देखिए सी बेंडेड स्नेक स्नेक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 4 फुट का होगा शायद। इसका देखिए हाइडिंग प्लेस है शायद, पता नहीं कितना बड़ा है ना मोहम्मद। ये देखिए ये एलिगेटर गार है शायद, हाँ एलिगेटर गार ही है, बड़ी बड़ी साइज़ के 3 फीट के एलिगेटर गार है, वाओ। हाँ बहुत बड़ा मुँह खुलती है। शायद यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा सेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग का सॉल्ट वाटर भी सेक्शन ख़त्म हो चुका है। गाइस थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फिश आंसर को फॉलो कर लीजिए। और गाइस मैं आपको ले जाता हूँ बाहर एग्जिट पे, चलिए चलते हैं। नीमो तो देखिए हम लोग गए वहाँ से आए थे, अब यहाँ से आ रहे हैं, क्लोज्ड है अभी यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं शायद। देखिए फायर एग्जिट हो गया है, अब ख़त्म हो गया एक्वेरियम। काफ़ी बड़ा ही है, 2 फ्लोर्स है, थाउजेंड्स ऑफ वैराइटीज है यहाँ पे। देखिए एग्जिट आ गया, देखिए व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी आपके लिए है, अगर आप डिसेबल्ड हो तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ से एंट्रेंस किया था, यहाँ से एग्जिट किया मैंने। और देखिए कितना सारा यहाँ पे प्लांटेशन है, ये स्पॉट बहुत अच्छा है फोटोग्राफी के लिए, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस ये था इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस देखिए मैं वापस जा रहा हूँ बाहर। फिर से आ गई ये वेल,
चलिए गाइज, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए बेंस इनटू फिश एंड अंसारी, चलिए गुड बाय। जाते जाते सिनेमेटिक इफेक्ट देख लो। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And